एक्सपीरियंस दिलवा सकते हैं, कुछ ऐसी कोई एक चीज ऐसी हमें बताएं जो हम सबको थोड़ा महसूस हो एक्चुअल में. ओके ठीक है. सी अभी मैंने क्योंकि ज्यादातर सब लोगों को स्ट्रेस बहुत रहता है, यू नो मोस्ट ऑफ अस हैव स्ट्रेस. सो वी विल स्टार्ट समथिंग जो बेसिकली वी विल स्टार्ट फर्स्ट बाय प्रेसिंग ऑल आर फिंगर्स. अभी मैं सबसे अच्छा, अभी जो भी मेरी क्लास में आएंगे एक्यूप्रेशर में उनको सबको अपने सिजोक में उनको सबको अपने नेल्स काटने पड़ेंगे क्योंकि जब हम प्रेस करते हैं तो ये नहीं कि आप नेल भी घुसा रहे हो तो पेशेंट के साथ तो खैर कर ही नहीं सकते, खुद के साथ भी नहीं करना होगा. सो आप जो आप जैसे हेडेक का आप बात कर रहे थे, माइग्रेन की बात कर रहे थे, राइट? सो अगर आपके पास पेन या कुछ ऐसा चीज है तो आप उससे भी कर सकते हो. हाँ, सो आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे सब पॉइंट्स पे आप जब प्रेस करोगे, यू नो इट इज ऑन थंब. थंब के ऊपर है, थंब के ऊपर है, थंब, या ओके ओके. सो वी विल फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द ब्रेन पॉइंट. सो ये जैसे हमारा हेड है, फोरहेड है और ये ऊपर का हिस्सा है, सो दैट इज आर, ये हमारा बैक है. सो वी विल जस्ट प्रेस द पॉइंट हियर, इतने हिस्से में ही करते हैं. अब देखो आपको कितने लोगों को यहाँ पे दर्द हो रहा है. अब अगर आप ऐसे सोचोगे ना, आपको लगेगा कि नहीं ऐसे तो सभी जगह दर्द होना चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं होता है. आप और अपने फिंगर्स पे प्रेस करके देखो आपको क्या दर्द हो रहा है, क्या सब जगह पे. अगर आप कहीं पे भी हाथ को ऐसे करते हो, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, देयर इज अ मेथड ऑफ डूइंग इट. सो अगर आप सब जगह पे करते हो, क्या दर्द होता है आपको? कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ही या कुछ जगह पे ही आपको दर्द होएगा, सब जगह पे नहीं होता है, राइट? सो ज्यादातर आप देखोगे यहाँ पे तो दर्द होता है. अगर जिसको हेडेक है या ये है तो उसको ये दर्द होएगा ही यहाँ पे. सो इफ ये पहले हम लोग सिर्फ ये इतने से स्टार्ट करेंगे कि वी जस्ट प्रेस ऑल द पॉइंट्स. सो जस्ट प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस. ओके मोनिका जी. हाँ, सो वी विल डू फर्स्ट जस्ट द प्रेसिंग. सो जस्ट प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज. ये जो फिंगर होती है, दिस हैज अ मैक्सिमम पावर. See, we can use our four fingers also. Lot of places we use four fingers. We can use even, jab hum reflexology karenge, we can use even our elbows, these knuckles, sorry. You know? But, bahut baar hum jyadatar ye, ya to thumb use karte hain, ya this finger. So, the, among all the fingers, the index finger has the maximum power. So if you'll press, release, press, release, press, release. So aap aise karke, you have to go, you know, ahead. So abhi jaise ye aapka neck area hai. So just, yahan se agar aap press karenge, bahut logon ko jinko neck mein problem hoti hai, aap dekhiye yahan pe ekdam dard hoega aapko. Just try to press here. ये जैसे आपका शोल्डर, जिन लोगों को शोल्डर में बहुत पेन रहता है, यू नो, सो इफ दे विल प्रेस दिस, सो यू विल फील द इफेक्ट ऑफ इट. सो एवरी डे यू शुड डू एटलीस्ट इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप. अगर आपके पास वो रिंग है तो आप उसको उससे कर सकते हैं. अभी जैसे बहुत से लोग होती है उनको नर्व्स की प्रॉब्लम हो जाती है, सुबह उठते हैं उनकी ये जो है थम्स है वो एकदम से ऐसे फ्रोजन से लगते हैं, यू नो, कुछ ऐसे लगता है नमनेस ही आ गए कई लोगों को. लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग दैट प्रॉब्लम दीज डेज. सो एवरी डे इफ यू डू द मसाजिंग ऑफ योर फिंगर्स, यू नो, एंड ऑल द पॉइंट्स, देन यू कैन दिस थिंग. ओके,
कैन आई आस्क यू वन थिंग इन ये जैसे अभी आप लेफ्ट हैंड को प्रेस कर रहे हैं राइट राइट हैंड से तो इसका जो इफेक्ट होगा अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने शोल्डर की बात करी है तो इसका जो इफेक्ट है वो इसी हाथ का शोल्डर है या ऑपोजिट शोल्डर होगा वैसे ये तो शोल्डर में तो सभी जगह पे होगा लेकिन इसमें प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंट सिस्टम और सेकेंडरी रहता है जैसे कि अभी ये हमारा थंब है तो ये कौन सा थंब है हमारा लेफ्ट का है लेफ्ट हैंड का है ना तो जो लेफ्ट हैंड का थंब है उसके जो फर्स्ट फिंगर जो उसकी ये हैंड्स हैं ये दो हैंड्स हैं हमारे और बीच के दो लेग्स हैं अच्छा राइट सो जो हैंड ये इसके पास है दैट इज अ प्राइमरी मतलब दैट रेफर्स टू द लेफ्ट हैंड सो फर्स्ट वी विल गिव इम्पोर्टेंस टू दिस हैंड इफ यू हैव टू ट्रीट एनीथिंग ऑन द लेफ्ट एंड दिस इज द सेकेंडरी सो एक्चुअली बोला जाए मतलब दिस इज कैन बी सेड एज अ राइट और दिस थिंग द सेम वे व्हेन यू विल सी द राइट The first finger which comes to the right side is the right hand. So first we always use the primary, and then we use the. So if we have to treat, तो ये obviously ये left का है, and ये right है. Right finger है, right hand है, left hand. Great. तो उस तरह से होता है सो दैट वे वी हैव टू यूज एंड अनलेस कि आपका एक हाथ कुछ प्रॉब्लम है या खराब है या कुछ अलग बात है अदरवाइज वी कैन ट्रीट इट लाइक दैट ऑफ कोर्स ये मोनिका जी इसका मतलब ये है कि जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं या जो भी हम प्रेशर पॉइंट्स दे रहे हैं तो वो दोनों हाथों में देना चाहिए राइट हाँ अगर आप दोनों में दोगे आप पैरों पे भी दोगे तो और उससे बहुत अच्छा है अच्छा मतलब ये है कि combine leg and feet अच्छा तो मतलब ये है कि एक हाथ को हम जो pressure points दे रहे हैं उससे फायदा होगा लेकिन हम दोनों को देंगे तो और भी फायदा होगा हाँ लेकिन दूसरी चीज है ये भी है कि जैसे आप फिंगर को भी फिर आप उसको भी डिवाइड कर सकते हो राइट और लेफ्ट मीन्स इन विद इन दैट ऑल्सो यू कैन डिवाइड अच्छा बट दैट इज अ सेपरेट थिंग वो तो फॉर द ऑर्गन्स आई एम सेइंग राइट एंड लेफ्ट फॉर दैट पर्पज बट यस इफ यू अब डिपेंड करता है आपको पेन किधर है अगर राइट नी में है लेफ्ट नी में है दोनों में है तो उसके हिसाब से आप ट्रीट करोगे पैरों में करोगे तो बहुत अच्छा है मैं इसलिए पूछ रही थी कि लॉन्ग करीबन 10-15 साल पहले मुझे किसी ने बोला था कि ये जो सब में ना वो जो क्लिप होती है ना कपड़े की जिससे कपड़ा दबा वो भी लगा सकते हैं हाँ तो दोनों हाथों में उन्होंने बोला कि लगाना चाहिए तो सब काफी फायदे होते हैं मुझे नहीं पता क्या होते हैं पर उन्होंने बोला था तो इसलिए मैंने पूछा कि दोनों हाथों में लगाना जरूरी है या इट इज ऑलवेज बेटर यस ओके दोनों लेग्स में दोनों हैंड्स में करेंगे और हैंड और लेग में करेंगे तो और भी अच्छा है अच्छा लेग में भी सेम वो प्रेस कर सकते हैं हाँ लेग्स में भी हमारे जो टो है दैट इज आवर हेड द फिंगर्स द सेम वे सेम नंबर ऑफ फिंगर्स आर देयर फोर फिंगर्स एंड वन थंब सो यू हैव द सेम द लास्ट एंड द फर्स्ट वन आर द हैंड्स एंड द मिडिल टू आर द लेग्स तो उसमें भी वो है उसमें भी आपका हार्ट का सब ऑर्गन्स उसमें भी आते हैं पूरे तो कई बार हम लोग मैग्नेट और या सीड्स हैं वो पैर में लगा के सोते हैं क्योंकि हाथ तो आप बहुत बार यूज करते हो तो अगर आपने सीड लगाया और आप पानी में डालोगे हाथ तो सीड गीला हो जाएगा तो फिर वो खराब होता है यू हैव टू टेक इट आउट तो अगर आपको 4 या 8 घंटे रखना है तो आप अगर पैर में लगा के गए तो शूज भी पहने आपने या सॉक्स भी पहनी है तो उस और वो प्रेस भी होगा क्योंकि पैर हमारा वैसे ही प्रेस होता है सो वो इट इज गेटिंग द स्टिमुलेशन आल्सो अगेन क्योंकि जब आप सीट लगाते हो तो उसको प्रेस भी करोगे थोड़ी थोड़ी बार ये नहीं कि बस एक बार सीट लगा दिया बस खत्म हो गया थोड़े थोड़े घंटे में उसको प्रेस करेंगे तो उससे वो उस पर
उसको स्टिमुलेट करते हैं हम लोग पॉइंट को, और लगाने से पहले भी हम उसको पॉइंट पूरी बॉडी में स्टिमुलेशन करते हैं.